नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और केदारनाथ सिंह जी की दूसरी कविता दिशा के हम व्याख्या करेंगे। संदर्भ प्रसंग, कठिन शब्दों के अर्थ, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और उसके प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि हमने कक्षा 12वीं के कोर्स में जो भी व्याकरण वाला हिस्सा है, साहित्य के इतिहास का हिस्सा है, रस छंद अलंकार हैं, उनके वीडियो भी बनाए हुए हैं और वो झरोखा चैनल में मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ सिंह जी की दूसरी कविता दिशा की व्याख्या। शब्दार्थ प्रसंग, कठिन शब्दों के अर्थ और संदर्भ प्रसंग सहित काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। कविता है, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इसमें कोई कठिन शब्द है नहीं, इसलिए उसके अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से अवतरित की गई हैं। इसका शीर्षक है दिशा और कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। और प्रसंग है कि कवि ने एक बच्चे की स्वाभाविक निश्चलता और उसके संसार का भावपूर्ण चित्रण इस कविता में प्रस्तुत किया है। अब देखिए कविता की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने एक दिन एक बच्चे से, जो बच्चा पतंग उड़ा रहा था, खेल रहा था, उससे पूछा, हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, स्कूल के अंदर शिक्षा, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, और स्कूल के बाहर जहां खेल है, आनंद है, उत्सव है, बच्चे की अपनी दुनिया है, संसार है, वहां वो पतंग उड़ा रहा है। कवि ने उससे पूछा, अरे भाई क्या तुम्हें पता है हिमालय कहाँ है? अब बच्चे का उत्तर सुनिए। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। बच्चे ने जवाब दिया कि भैया हिमालय उधर है जहां मेरी पतंग उड़ रही है। कवि कहते हैं, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। और कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में पहली बार इस बात को जाना कि वास्तव में हिमालय कहां है। और कवि ये कहना चाहते हैं अपनी इन बातों से कि एक बच्चे की दुनिया, एक बच्चे का संसार उसकी अपनी भावनाओं पर होता है, उसकी अपनी सोच पर होता है, उसके अपने आनंद पर होता है, उसके लिए पतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पतंग बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय भौगोलिक रूप से कहां है? पूर्व में है, उत्तर में है, पश्चिम में है, दक्षिण में, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। उसका मन कहता है कि हिमालय वहां है जहां उसकी पतंग है, उसका आनंद जहां है, उसका स्वाभाविक बचपन जहां है, हिमालय उधर है। तो ये इस कविता की व्याख्या हुई। और अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो इसमें है वात्सल्य रस, दूसरा भाषा सरल और सहज है, तीसरा उधर उधर उसने कहा, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार दोनों है। भाव सौंदर्य क्या है? बाल मनोविज्ञान को समझने की इस कविता में चेष्टा की गई है। और चलिए अब शुरू करते हैं इसी कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? उत्तर है, बच्चे का उधर उधर कहना यह प्रकट करता है कि हिमालय वही है जहां उसकी पतंग उड़ी जा रही है। पतंग की दिशा के अलावा उसे और किसी दिशा से कोई प्रयोजन नहीं है। उस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है जहां उसकी पतंग उड़ रही है, वह उसी दिशा को जानता है बस। हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं है, वह तो उसी दिशा पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। और दूसरा है, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है? प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है,
इस पंक्ति का भाव यह है कि भौगोलिक रूप से हिमालय किधर है यह बात तो पढ़ने वाला और कवि भी अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु एक बच्चे के मन का हिमालय किधर है यह बात केवल बच्चा जानता है और कवि को भी उसी दिन पता चली क्योंकि बच्चे ने उसका जवाब दिया। तो यह था केदारनाथ सिंह जी की दूसरी कविता दिशा की व्याख्या और प्रश्नोत्तरों से युक्त हमारा एपिसोड। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली बार हम केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।